सौतेली हो मानता। मैं तुम्हारी अली से शादी करने के लिए तैयार। बहुत चर्बी चढ़ गई है तुझमें। ये समझाया था ना मैंने कि मेरे प्लाट से दूर रहना। आके उसने एजेंट से इतना झगड़ा किया, मारपीट की, और तुम चाहती हो कि मैं उसे अपना दामाद बना लूं? तुमने सब कुछ खत्म कर दिया अली, सब कुछ। तुम जानती हो मैंने कितनी कोशिशें करके मामू को राजी किया था, लेकिन तुम्हें इससे क्या फर्क पड़ता है? तुम्हें जरूरत क्या थी उनके सामने झगड़ा करने की? काम है वो मेरा, समझ नहीं? और मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हारी अम्मा के सामने ना किसी से झगड़ा करने का। जानती हूँ उस एजेंट को, वो उस बेवा के घर पे कब्जा करके बैठा था, और वो औरत मुझसे। मैं कुछ नहीं जानती अली, और ना मैं जानना चाहती। बस ये जानती हूँ कि मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, और चाहती हूँ तुम्हारे और मामा के दरमियान सब कुछ ठीक हो जाए। हमारे रिश्ते को समझे, लेकिन शायद तुम ये नहीं चाहते। बिला वजह मुझ पे गुस्सा कर रही हूँ। तुम्हें मेरा गुस्सा नजर आ रहा है, मेरे आंसू नहीं। सब ठीक कहते थे, तुम मेरी मोहब्बत डिजर्व ही नहीं करते अली। मैं पागल थी जो तुम्हारे लिए सबसे झगड़ा कर रही थी। तो पछतावा हो रहा तुम्हें मेरी मोहब्बत का? कहा था ना मैंने तुम्हें, समझाया था ना कि जाना चाहती हो मुझे छोड़कर तो जा सकती हो। मुझे मालूम है कि मैं मुश्किल इंसान हूँ मोहब्बत करने के लिए। तुम खुद को समझते क्या हो अली? हाँ, तुम्हें सिर्फ अपना एहसास है और किसी का नहीं। मैंने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया, और तुम, मुझे लगता था तुम खुद को बदल दोगे, मेरी मोहब्बत तुम्हें एक अच्छा इंसान बना देगी, लेकिन मैं गलत थी। बहुत अफसोस हो रहा है मुझे आज। इतना ही बुरा हूं तो क्यों मोहब्बत करती हो मुझसे तुम? हाँ, जाओ जाके कर लो अपने उस कजन से शादी। हाँ कर लूंगी। दिल तेरा नाम ले खुदा, तू अगर थाम ले खुदा, ये घुटन ये दुखन ये खला, मैं कभी पास आने ना दूं, चाहे सांसे करे ना वफा, चाहे तन से हो मन भी जुदा, जिंदगी दूर जाने ना दूं, जिंदगी दूर जाने ना दूं, जिंदगी दूर जाने ना दूं। क्या शादी? ये अचानक से तुम्हें मानूर की शादी का ख्याल कहां से आ गया? और तुमने तो कहा था कि अभी इसका सिर्फ रिश्ता तय करेंगे। भाई शावेज सिर्फ एक महीने के लिए आया है। भाभी चाह रही है कि मंगनी की जगह निकाह हो जाए, लेकिन फिर मैंने कहा जब निकाह ही करना है तो सीधी सीधी रुखसत ही कर देते हैं। मुझे नहीं अच्छा लगता लड़की निकाह के बाद घर बैठी रहे। भाई बंदा करे तो ढंग से शादी करे। पता नहीं फरहीन, मुझे तो लग रहा है सब कुछ जल्दबाजी में हो रहा है। तुम्हें नहीं लगता? इसमें जल्दी कहाँ है जुबैर? आज नहीं तो कल शावेस और मानू की शादी होनी ही थी, तो अभी क्यों नहीं? उनके लिए भी सहूलत हो जाएगी, और फिर कुछ डॉक्यूमेंट्स बनवाएगा और ले जाएगा उसको अपने साथ ही। वैसे अब आप क्या सोच रहे हैं? पता नहीं फरहीन, मुझे तो ये सब कुछ बहुत ऑड लग रहा है। तुम्हें काम करो, तुम अभी अपनी भाभी से बात मत करना, मुझे जरा मानूर से बात कर लेने दो, उसके बाद फिर मैं तुम्हें बताऊंगा क्या करना आगे। मानूर से क्या बात करनी है? मेरा मतलब है अब क्या जरूरत है उससे बात करने की? क्या मतलब क्या जरूरत है बात करने की? शादी उसने करनी है, तुमने या मैंने? शादी उसकी होनी है, जिंदगी उसने गुजारनी है भाई, उसकी मर्जी तो मालूम करनी होगी ना। पता नहीं वो इतनी जल्दी शादी के लिए राजी हो ना हो। कैसी बातें कर रहे हैं? मेरा ये मतलब नहीं था। मैं मानूर से बात कर चुकी हूँ, वो राजी है शादी के लिए। Are you sure कि वो इतनी जल्दी शादी के लिए तैयार है? हाँ भाई, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? आजकल की बच्चियां हमारे जमाने की नहीं है, अगर उनको किसी बात पे इतराज होता है वो बोल देती हैं। फिर भी फरहीन, मैं एक बार उससे बात करूंगा फिर तुम्हें जवाब दूंगा।
वैसे तुम्हारी भाभी साहिबा हैं कितनी देर के लिए यहाँ पे? अभी तो हैं वो यहाँ पे, पर लड़का तो चला जाएगा ना। ये ले एक और। वो हमेशा काम शादी तक 100 रुपए की लगाएंगे। तू वो भी नहीं लगागा? शहजादा ये अली भाई की चाय, ये तेरी, एक दे दे, ये तेरी। मेरी चाय कहाँ है? तो कल पियो, तुझे कल पिलाऊंगा। अबे ये हमेशा ही करता, चाय नहीं लाता मेरी। चाय छोड़ बे, सिगरेट पिला दे। सिगरेट भी तो कल पी लो, पैसे नहीं थे मेरे पास यार। वो जो कल 100 रुपए में से 20 बचे वो खा गया। मेरे पैसे का 20 रुपए जो बचे थे। अबे छोटे भाई को इसका रोज का ये खा जाता है पैसे। सब कुछ भाई किस बात का गुस्सा? चलो उठो यहाँ से सारे, बोला ना बस, चलो समेटो सब। खुद को समझते क्या हुआ दी? हाँ मुझे लगता था तुम खुद को बदल दोगे, मेरी मोहब्बत तुम्हें एक अच्छा इंसान बना देगी, लेकिन लेकिन मैं गलत थी। नहीं बुरा हूँ तो क्यों मोहब्बत करती हूँ मुझसे तुम? हाँ जाओ जाके कर लो अपने उस कजन से शादी। हाँ कर लूंगी। छोड़ो मेरा, मैंने कहा मेरा हाथ छोड़ो। कौन हो तुम लोग? हाँ और क्या कर रहे हो यहाँ पे? क्यों तेरी बहन लगती है क्या? तो बड़ा जज्बाती हो रहा है। दिल तेरा नाम ले खुदा। अरे जाने दो। अरे ये क्या कर रहे हैं, लग जाएगी उसको। नहीं मैं आज छोड़ूंगा नहीं इसको। नीचे रख, नीचे रख, छोड़ दो। झगड़ा किया ही क्यों? ये तुम पूछ रही हो मुझसे? तुम्हें छेड़ लेते ना वो, तो क्या करता जाके उनको हार बनाता मैं? मेरा तुम्हारे साथ रिश्ता ही क्या है? उन लड़कों का तुम्हें छेड़ना मुझे अच्छा नहीं लगा। इतनी परवाह करते हो मेरी? जिंदगी दूर जाने न दूं, जिंदगी अली, थोड़ी देर रुक जाओ ना प्लीज। तुम्हें समझाया ना, हमारा साथ ठीक नहीं है। हम दरिया के उन दो किनारों की तरह हैं, जो कभी साथ मिल नहीं सकते। होने को कुछ भी हो सकता है अली। मजबूर हूँ मैं। लेकिन मैं मजबूर और बेबस बिल्कुल नहीं। मेरी बात सुनो, मैं इससे मोहब्बत करती। जिंदगी बहुत अच्छी हो मानी, और मैं जानती हूं कि तुम्हारे साथ कभी कुछ गलत नहीं होगा। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कैसे तुम्हारे दुख, तुम्हारे नासों को खुशी में बदल दूं। काश मैं ऐसा कर पा। तुम्हारे भाई ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, मना है।
कितना मैंने इसे समझाया था कि मामा और दानियाल भाई से कुछ गलत मत करना, लेकिन नहीं, हमें नहीं पता हमारी किस्मत में क्या लिखा है मान। हो सकता है तुम्हारी किस्मत में शावे से लिखा हो, लेकिन काश तुम मेरी भाभी बन सकती और सब कुछ ठीक हो जाता। अरे तुम लोग यहाँ बैठे हो? मानूर, तुम्हें पता है तुम्हारी मुमानी आई थी, देखो तुम्हारी माइयों का जोड़ा देकर गई है। कितना खूबसूरत है, आई विश मेरे ससुराल से भी बिल्कुल ऐसी जोड़ा है। क्या हुआ मानू, तुम चुप क्यों हो? तुम खुश नहीं हो मानू? अरे यार, चावेज भी आया था नीचे, ऐसे इधर उधर देख रहा था जैसे तुम्हें ढूंढ रहा हो। मुझे पता होता तुम शर्मा कर यहाँ बैठी हो तो मैं उसे भी हिल आती। कितना प्यारा जोड़ा है मानूर, तुम इसमें बहुत अच्छी लगोगी। मानूर, ये जोड़ा पहनकर अपनी नजर उतार लेना, कब किसकी नजर लग जाए कुछ पता नहीं चलता। बहने अपनी बहनों को नजर नहीं लगाती, सिर्फ दुआएं ही देती है। मैंने कब कब बहनों की नजर लगती? चलो पहना कर तो देखूं। वाओ मानूर, तुम कितनी प्यारी लग रही हो। क्या हुआ, दुपट्टा क्यों उतार दिया? मेरा दिल नहीं कर रहा जवेरिया, रखो इधर तुम। मानूर, अब ये दुपट्टा माइयों के दिन प्रॉपर तैयार होकर ही पहनेंगे, तुम इसको ले जाओ मानूर के रूम में रख दो। ठीक है। इसके सामने ऐसे करने की क्या जरूरत थी? तुमने अपनी मम्मी से बात की? किस बारे में? क्या हो गया यासर, मैंने कितनी दफा तुम्हें कहा अपनी मम्मी को हमारे घर रिश्ता लेने भेजो, मगर मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम इस बात को बिल्कुल अहमियत ही नहीं दे रहे हो। ओ तो यूं कहो ना, हाँ की ना मम्मी से बात। अच्छा, क्या कह रही थी? उन्होंने क्या कहना था, तुमने ही तो बताया था कि तुम्हारी कजन की शादी है। अब जैसे ही तुम्हारी कजन की शादी खत्म हो जाएगी फिर हम तुम्हारे घर पे आ जाएंगे बात करने के लिए रिश्ते की। मानूर की शादी से हमारे रिश्ते का क्या ताल्लुक है? भाई ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये अम्मी ने कही है। अब अम्मी बड़ी हैं, कुछ तो उन्होंने सोच समझ के कही होगी ना। किस बात की जल्दी है तुम्हें? देखो चपेरिया, अगर मानूर की शादी के दरमियान हम रिश्ता लेके आएंगे तो तुम्हारे बड़े पापा क्या कहेंगे कि हम शादी के बाद सोच के टाइम लेके जवाब देंगे। हो सकता है उसमें वक्त और ज़्यादा लग जाए और ये बात मेरी मामा को अच्छी ना लगे, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि एक वक्त में एक काम होने दो, मानूर की शादी हो जाए फिर हम तुम्हारे घर आ जाएंगे और हमारे रिश्ते की बात कर लेंगे। पता नहीं यासर, मुझे कभी कभार ऐसा लगता है कि तुम ये रिश्ता करना ही नहीं चाहते। क्या बात कर रही हो तुम यार, तुम शक कर रही हो मुझ पे? चवेरिया देखो मेरी बात सुन, मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई भी रिश्ता शक की बुनियाद पर शुरू हो। तुम्हें बिल्कुल मुझ पे वैसे ही भरोसा करना पड़ेगा जैसे मैं तुम पे करता हूँ। मेरा वो मतलब नहीं था यासिर। तुम्हें पता नहीं क्यों बिलावजह मुझसे बदगुमान हो रही हो। चलो एक काम करते हैं, आज मैं तुम्हें अपने घर लेके चलता हूँ, अम्मी से मिल लेना। सच में? हाँ, मुझे भी उनसे मिलने का बहुत शौक है। वैसे भी मेरी अम्मी बार बार कह रही होती है कि जवेरिया से कब मिलवाओगे, तो आज मिलवा लेता हूँ। चलो लेट्स गो। चलो लेकिन अम्मी तो आज हॉस्पिटल में, उसे याद ही नहीं रहा। बल्कि एक काम करते हैं कि हम दोनों वेट कर लेंगे मम्मी का, जब तक मम्मी आ जाएंगी फिर तुम उनसे मिल लेना। नहीं यासिर, इस तरह तुम्हारी अम्मी की गैर मौजूदगी में घर जाना सही नहीं है, हम बाद में चलेंगे।
Are you sure? हाँ हाँ, it's okay. हम बाद में चलेंगे. चलो best. चौकीदार बाबा, मैं बात कर लेती हूँ. क्या सुन रहा हूँ मैं? अपने कजन से शादी कर रही हो तुम? ओ, तो तुम शादी की मुबारकबाद देने आए हो. थैंक यू. मजाक करने नहीं आया हूँ मैं यहाँ पे मानो. तो फिर क्या करने आए हो अली? झगड़ा करने आए हो या मार पिटाई करने आए हो? उधर नहीं, बदगुमान क्यों हो गई हो तुम? हाँ, मोहब्बत करती थी ना मुझसे तुम? हाँ बोलो, ये सारी मोहब्बत सब झूठ फरेब है? ये तो तुम अपने दिल से पूछो. दिल ने कहा इसलिए यहाँ आया हूँ. तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने चौकीदार को मना भी किया था कि उसको अंदर मत आने देना. मुझे यहाँ आने से कोई नहीं रोक सकता. क्यों नहीं रोक सकता? ये घर हमारा है, समझ गए ना तुम? और मानूर की शादी तक अब तुम इस घर में नहीं आओगे. आऊंगा मैं, कौन रोकेगा मुझे? तेरे बाप में भी हिम्मत नहीं है कि मुझे रोके. वो छोड़ दे इसे, क्या कर रहे हैं आप? प्लीज दानियाल भाई, छोड़ दे इसे. अब तक मैं जाना ली. प्लीज दानियाल भाई, छोड़ दे. सलामत की बात समझ नहीं आती है. दानियाल बेटा, तुम दोनों क्या कर रहे हो? झगड़ा क्यों कर रहे हो? हमारा भाई छोड़ा इसे. पूछे अपने बेटे से, जिस घर ने इसे बचपन में बना दी, आज उसी में डाका डालने की कोशिश कर रही है. ये मानूर से नहीं दानियाल, मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता. अली, दानियाल क्या कह रहा है? तुमसे पूछ रही हूं, ये सच कह रहा है? सच कह रहे हैं. मोहब्बत करता हूं मैं मानूस. अभी और इसी वक्त इस घर से चले जाओ. माशाल्लाह, मानूर कितने प्यारी लग रही है और दोनों की जोड़ी बहुत खूबसूरत लग रही है. सही कह रही है भाभी, बस अल्लाह इनको नजरे बद से बचाए. आमीन. चाहे सौतेली हो मानता.